प्रस्ताव ये है कि आज के बाद मान लो कोई गोकुलधाम वासी दूसरे गोकुलधाम वासी के घर पे चाय पीने जाता है और किसी कारणवश उसको वहाँ चाय नहीं मिलती, तो जिस घर पे उसको चाय नहीं मिलती उस घर के मालिक को चाय नहीं पिलाने के बदले कुछ सजा मिलनी चाहिए। ये अच्छा है, मुझे तो जेड़ा पड़ा गया, ये प्रस्ताव मंजूर है। इसे झूले पे बैठ के सुनने का बहुत मजा आएगा। बहू एक कप चाय बना लेना। हाँ बापूजी। अरे वाह बापूजी, रेडियो? नहीं नहीं बहू, रेडियो नहीं, ये तो गाने लाल है। गाने लाल? गाने लाल? हाँ, बरसों से ये मुझे दुनिया भर के गाने सुनाता है और ये तो हमारे परिवार के सदस्य जैसा ही है, इसलिए मैंने इसका नाम रख दिया गाने लाल। क्योंकि मेरे पिताजी का नाम जयंती लाल, मैं चंपक लाल और जेठिया जेठा लाल, तो ये मेरा गाने लाल। मस्त नाम है बाबूजी। पता है बाबूजी, अहमदाबाद में हमारे घर पर भी ऐसे ही एक रेडियो था और मुझे बराबर याद है, माँ रोज सुबह उस पर भजन सुनती थी। हाँ, हम भी रोज इसमें गाने सुनते थे, भजन सुनते थे, रोज सुबह समाचार सुनते थे। हाँ। और तुझे पता है बहू, क्रिकेट की कमेंट्री सुनने के लिए तो आधा गांव हमारे घर पे आ जाता था। आज दुनिया कितनी भी आगे बढ़ गई हो, कंप्यूटर, सीडी, मोबाइल, लेकिन उन दिनों जैसा मजा नहीं। हाँ, एकदम सही कहा बापूजी। आप हमारे गाने लाल भाई के साथ गाने का आनंद लीजिए, तब तक आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। बापूजी, क्या बात है, ये गाने लाल को कहां से ढूंढ निकाला? ढूंढ निकाला। बापूजी, ये पुरानी चीजों की क्वालिटी देखो, आज भी ऐसे फर्स्ट क्लास बजता है। क्या हुआ, क्या किया तूने? क्या हुआ बापूजी? अरे टप्पू के पापा, क्या हुआ, ये गाने लाल भाई ने गाना गाने का बंद क्यों कर दिया? ये जेठिया की वजह से, पता नहीं क्या किया इसने। क्या किया टप्पू के पापा आपने? अरे भाई शांति रख, कुछ नहीं किया, वो मैं इसका आवाज बढ़ाने गया तो पता नहीं क्या हुआ। अभी अभी हो जाएगा, चलो अभी चालू हो जाएगा बापूजी, एक सेकंड। हाँ देखा, स्टेशन हिल गया है शायद, एक मिनट। हाँ स्टेशन नहीं पकड़ रहा है बाबूजी, ये स्टेशन वाली, अब तक तो ठीक ही चल रहा था, क्या जरूरत थी उसे छूने की? नहीं नहीं अभी अभी हो जाएगा बाबूजी, देखिए एरियल को है ना थोड़ा सा ऐसे। हाँ क्या कर रही है, कुछ नहीं है, अभी अभी देख इसमें ये हो गया बाबूजी, देखो ये देखो, हाँ हो गया, इसमें कुछ नहीं है। चालू कर, मैं अभी इसको चालू कर देता हूँ। तुझे पता है कभी कभी बचाव में इसका दिमाग सटक जाता था ना, तो मैं इसको लाइन पे लाता था। हाँ तो कैसे? सिंपल है एकदम, ऐसे दो थप्पड़ लगाता था सीधा हो जाता था। ये क्या कर रहे? अरे कुछ नहीं बापू जी, लातों के भूत है, बातों से नहीं मानते, ये अभी ठीक हो जाएगा देखिए। डफली वाले, तेरी डफली बजाना बंद कर, ये रेडियो है डफली नहीं है। नहीं नहीं आप चिंता मत कीजिए बापूजी, अभी ठीक हो जाएगा। गाने
आदिलाल भाई जवाब तू नहीं दे रहे हैं, क्या किया आपने? अरे भाई तो शांति, अरे कुछ नहीं हुआ, अभी चालू हो जाएगा भाई, शांति रख, एक मिनट मैं काम करता हूँ बापू जी, इसको बंद करके वापस चालू करूंगा ना, चालू हो जाएगा। एक मिनट, ये देखो ये बंद कर दिया, अभी चालू करते देखो। अरे भाई तू क्या इतनी चीज पाल रही है, अरे खुद ने ये फिट हो जाए, देखे बापू जी ये हो जाएगा, फिट हो जाएगा वापस, हाँ ये हो गया हो गया। देखिए बाबू जी चालू हो गया, चालू हो गया। अरे नहीं नहीं ये चालू नहीं हुआ, वो तो मैं हूँ, मेरे रोने की आवाज है। इसमें रोने वाली क्या बात है भाई, तो शांति रखना भाई, रो मत, शांति रख। क्यों नहीं रोएगी, क्यों नहीं रोएगी बहू, उसे गाने लाल के लिए दुख हो रहा है इसलिए रो रही है, रो बहू रो। बस बहू बस, हाँ बस बस, हाँ भाई शांति रख भाई, बच्चा का रख थोड़ा रोना, हाँ बाद में कभी रोना, क्या हमारे घर में तो रोज ऐसा कुछ ना कुछ होता ही रहता है। एक मिनट भी अभी चालू हो जाएगा बापू जी, हो जाएगा बड़ी, अच्छा खासा बज रहा था, तूने आके गाने लाल की बैंड बजा दी। बापू जी इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, पुराना हो गया ना, सब इसके पुर्जे ढीले हो गए बापू जी। ये बाबू चक, उसके पुर्जे ढीले हुए नहीं है, तूने डफली बजा बजा के उसके पुर्जे ढीले कर दिए, बहुत अच्छा बज रहा था ये। ओ, वापस बजेगा बापू जी, ऐसे कोई टेंशन की बात नहीं है, अभी चालू हो जाएगा। सॉरी बापू जी, आपको कौन सा गाना सुनना है, मैं गा के सुनाता हूँ। इना मिना टिका दाई मना टिका वहां का चुका बापा, मेरी गलती है, मुझे गाने लाल को यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था, ला मैं इसे रख देता हूँ। नहीं बापू जी, मैं इसको अभी रिपेयर कर देता हूँ, बाबा भी हो जाएगा चालू। अरे मुझे रिपेयर करवाना ही नहीं है। अरे बापू जी आप मुझे दे दीजिए, बापू के पापा आप मुझे दे दीजिए, मैं बागा भाई को दे आऊंगी, वो ठीक कर देंगे। अरे पर तू क्यों जाएगी बागा को देने के लिए, मैं रोज जाता हूँ दुकान, मुझे मिलता है वहाँ पे, तो बोलूंगा तो वो हो जाएगा रिपेयर, बापू जी हो जाएगा। मुझे रिपेयर करवाना ही नहीं, मुझे बापू जी देखिए मुझसे बंद हुआ है। बापू जी मैं वो गाने लाल को उठा के आपको ही दे रहा था। नहीं तू तो रहने ही दे, तू हाथ लगा नहीं मत। बापू जी मैं गाने लाल भाई को उठा कर आपको दू। अरे बहू तो तोड़ेगी, चालू है गाने लाल भाई, चालू है।
हाँ चालू हो गया गाने लाल चालू हो गया भाई। हाँ। अगर चालू नहीं होता तो बापूजी को बहुत दुख होता। काफी दुख होता। दुख तो होगा ही ना बापूजी को, क्योंकि गाने लाल बापूजी का बहुत पुराना साथी है। बचाओ में रोज रात को बापूजी गाने लाल पे ढेर सारे गाने सुनते थे। मुझे तो आज भी याद है उनका फेवरेट गाना। नमस्कार, सत्री अकाल बाजी, की हालचाल? बढ़िया। ओ एकदम बढ़िया, तगड़क चगड़क, मजा ही मजा, बल्ले बल्ले। तो चले गराज? हाँ चल। अरे मेरा मतलब है तुम चले गराज। ओ गड्डी जांदी है, छलांगा मार दी, मैनू याद आए मेरे गैराज दी। ओ पिड़ू को याद है उसके सखा राम दी। ओ पिड़ू, ओ मैनू एक गल दस, तू सकाराम को बाहर से ही चमकाता रहता है या उसकी अंदर से सर्विसिंग वगैरह भी करवाता है? सोड़ी, मैं अपने सकाराम को बाहर से और अंदर से दोनों तरफ से चमकाता हूँ, टाइम टू टाइम सर्विसिंग करवाता हूँ इसकी। कमाल है, तूने सर्विसिंग करा ली, मेरे को किसी भी मेरे मैकेनिक ने दसे क्यों नहीं? अरे नहीं नहीं, तेरे गैराज में नहीं सोड़ी, मैंने तो सर्विसिंग कंपनी में करवाई है ना। ओए पिड़ू, और रोशन सिंह सोड़ी के होते हुए तूने कंपनी की सर्विसिंग सेंटर से सर्विसिंग करवाई? ओ मैंने गैराज का समोसे तलने के लिए खोला है। नहीं नहीं सोड़ी, तुम्हारे गैराज में गाड़ियां रिपेयर होती है, लेकिन क्या है कंपनी में पहले 3 सर्विस फ्री होती है ना, इसलिए मैंने कंपनी में करवाई। ओ पिड़ू, ओ तेरे मेरे बीच में पैसे की बात कहाँ से आ गई यार? ओ मैं कौन सा तेरे से कोई पैसा लेता? नहीं नहीं सोड़ी, तुम पैसे नहीं लेते। अगर फिर मैं नहीं करवाता तो वेस्ट हो जाती ना सर्विसिंग। तो हो जाने देना वेस्ट। और रोशन सिंह सोड़ी के गैराज पे एक से एक मैकेनिक है, और तुझे बस फोन करने की जरूरत थी, मेरा बंदा आता, तेरे सखाराम को लेके जाता, फर्स्ट क्लास सर्विसिंग करके तेरे घर पे तेरे को चाबी लेके जाता यार। हाँ लेकिन सोड़ी, और मैं तेरी एक भी बात नहीं सुनूंगा। और फ्री सर्विसिंग हम दोनों की दोस्ती से वड्डी हो गई क्या है? ओए अपनी नहीं तो कम से कम सखाराम की तो सोच यार। ओके ओके सोड़ी, गलती हो गई, माफ कर दे, आगे से मेरे सखाराम की सर्विसिंग तेरे गैराज में ही होगी। दिल खुश कर देता, अब जाके मुझे सुकून मिला यार, दोस्तों के लिए सब कुछ करना पड़ता है। ओए अभी मैं गैराज बड़े सुकून से जाऊंगा। ओके जल्द चलता हूँ, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, लव यू। ओके बाय 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 बाय। हाँ दिल खुश हो गया, चलो भाई चलो, पतला चकाचक चकाचक। कितना जुनूनी आदमी है ये, कभी कभी डरा देता है, लेकिन कुछ भी कहो यारों का यार है अपना सोड़ी। ओहो, गोकुलधाम सोसायटीचे एकमेव सेक्रेटरी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, गडा इलेक्ट्रॉनिक्स ना एकमेव मालिक, केम छो? जो ज जिन म्हणजे जोरदार जबरदस्त जिंदाबाद। ओहो तो अभी कहाँ दुकान? और क्या भाई, सब तुम्हारे जैसे नसीबदार थोड़ी होते, घर में ही काम, घर में ही ट्यूशन, सोसाइटी का भी काम हुआ था, सोसाइटी की ऑफिस भी इधर ही बाजू में, सोसाइटी कंपाउंड में। और फिर सोसाइटी के काम से म्युनिसिपैलिटी के ऑफिस जाना, अचर पापड़ की डिलीवरी करना, उसके लिए तो बाहर जाना पड़ता है ना भाई? नहीं बराबर, सब काम के लिए आपको बाहर जाना पड़ता है, लेकिन उसके लिए आपके पास सखाराम है ना, केक मारा के निकले। हाँ वो तो है। तो फिर हमारा आपका जैसा नहीं है ना भाई, हमको तो बाहर तक जाओ, रिक्शा ढूंढो, और आजकल रिक्शा मिलना मतलब लॉटरी लगने जैसा है भाई। अरे भाई मैं तो कहता हूँ तो अपने इस सखाराम के ऊपर एक छतरी बिठा दे, और हम जैसे रिक्शा के सताए हुए लोगों के लिए एक स्कूटर सर्विस चालू कर दे। जेठालाल मजाक कर रहे हो? अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, ये एक व्यापारी की सचोट सलाह है, इसमें इतनी कमाई होगी तो सोच भी नहीं सकता। ओहो, मतलब अभी कमाई करने के लिए एक शिक्षक ड्राइवर बन जाए? हाँ तो उसमें क्या है, कोई काम छोटा नहीं होता भाई, और वैसे भी एक शिक्षक एक ड्राइवर ही होता है ना। तो कैसा है? सामाजिक ड्राइवर। अरे भाई बच्चों को शिक्षा देके सही मार्ग दिखाता है शिक्षक, तो उसी तरह अगर ये तो स्कूटर सर्विस चालू करेगा तो लोगों को बिठा के सही मार्ग पे उनको उनकी मंजिल तक पहुंचा सकता है ना। और मैं तो कहता हूँ भाई, इसमें साथ में अचार पापड़ के सैंपल भी रखना, क्या है वो पैसेंजर लोग बैठे होंगे तो फ्री होता है ना, कुछ काम तो होता नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा सैंपल चखाते रहने का, अगर पसंद आ गया तो ऑर्डर भी मिल सकता है, है? एक काकरे में पक्षी, स्कूटर सर्विस का भी धंधा और साथ में अचार पापड़ का भी धंधा। और मैं तो कहता हूँ जब तक अचार पापड़ का ऑर्डर ना देना, उनको घुमाते ही रहने का। जेठालाल कुछ भी बोल रहे हो तुम। अरे कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ भाई, जबरदस्त धंधे का आइडिया दे रहा हूँ, तुम्हारी जगह कोई समझदार इंसान होता ना तो अब तक ये आइडिया लपक लेता। अच्छा है भाई, मैं समझदार नहीं हूँ, और वैसे भी मुझे धंधे का आइडिया देने के बजाय तुम्हारा जो धंधा है उसको संभालो।
वो देखो रिक्शा आ रही है। बबनलाल, अरे रिक्शे को रोको, जाने मत देना। क्या हुआ जेठालाल, इतने भागे भागे क्यों आ रहे? अरे भाई तुम तो जानते हो आजकल रिक्शा मिलना कितना मुश्किल है, तो ये सामने से रिक्शा मिल गई इसलिए मैंने बोला भाई रोक के रखो, इससे मैं दुकान चला जाता हूँ। हाँ हाँ सच में आजकल रिक्शा का बहुत प्रॉब्लम हो गया, चले जाओ इसी में चले जाओ। हाँ हाँ चल। भाई साहब ले जाओ। अरे भाई साहब मेरे पैसे। अब मीटर चालू रखो, इनको जहाँ जाना है वहाँ छोड़ दो, मेरा और इनका दोनों का भाड़ा ये भाई साहब दे देंगे। क्या क्या? ओ मेरे पास छुट्टे नहीं है ना जेठालाल, इसलिए। अच्छा इतनी सी बात है, छुट्टे मैं दे देता हूँ, कितने का चाहिए? 1000 का। 1000 का छुट्टा तो नहीं है, रिक्शा वाले के पास होगा वो दे देगा। अरे साहब रिक्शा बंद करने के टाइम पे हमारे पास 1000 का छुट्टा नहीं होता है, तो बोनी के टाइम पे कहाँ से होगा? देखा। अरे क्या देखा, तुम मुझे एक बात बताओ, जब तुम रिक्शा में बैठे था तुमको तो पता था कि तुम्हारी जेब में छुट्टा नहीं है, 1000 का नोट है, और गोकुलधाम पहुंचते ही रिक्शा का भाड़ा देना पड़ेगा, तो तब तुम छुट्टे पैसे कहाँ से लाते? घर से। भाई मैं इस रिक्शा वाले को यहाँ रुका के रखता, अपने घर जाता, छुट्टे पैसे ढूंढता और लाकर इसे देता। लेकिन इस वक्त मैंने तुम्हारी भलाई के बारे में सोचा कि भाई तुम्हें दुकान जाने में लेट हो रहा होगा, तो कहाँ तुम्हें और रिक्शा वाले को रोक के रखूं? तो अभी तुम मेरा पैसा दे दो, बाद में मैं तुम्हें दे दूंगा। लेकिन भलाई का जमाना नहीं रहा भाई, आप यहाँ रुके मैं पैसा लेके आता हूँ। सॉरी सॉरी लाल, मुझे पता नहीं था तुम मेरी भलाई के बारे में सोच रहे थे, मैं तुम्हारा भी भाड़ा दे दूंगा। ठीक है। नहीं 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 भाई, अभी तुम्हारा चांस गया, आप इधर रुके मैं पैसे लेके आता हूँ। ये भाई साहब कह रहे हैं आपका भाड़ा मैं दे देता हूँ, फिर आप क्यों जीत कर रहे हो? हाँ मेरे धंधे का टाइम खुटी हो रहा है साहब। ये रिक्शा वाला बोल रहा है इसलिए मान रहा हूँ, लेकिन मेरे भाड़े के 22 रुपए तुम्हें सूद समेत मुझसे वापस लेने पड़ेंगे। अरे भाई 22 रुपए में क्या सूद और क्या समय, तभी छोड़ा ना यार। नहीं, चलो चलो भाई चलो, दे दूंगा चलो, भाई। अरे आप आए, आओ के जय। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कविता जी, कैसे हो आप? एकदम फर्स्ट क्लास। अरे एक मिनट रुको रुको भाई रुको, एक मिनट। कैसे हैं? अरे एक मिनट में आया। गुड मॉर्निंग बबीता जी। हाय गुड मॉर्निंग जेठा जी। क्या हुआ जेठालाल, रिक्शा से क्यों उतर गए? विचार बदल दिया? लाओ छुट्टा। अरे भाई बबीता जी दिखे तो उनका गुड मॉर्निंग करने के लिए उतरा भाई। How sweet of you. Thank you. और बबीता जी सुबह सुबह किस तरफ? मैं एक्चुअली जेम रोड जा रही कुछ शॉपिंग करने के लिए। वाह वाह, आज तो रिक्शा सोसाइटी में मिल गई और बबीता जी के साथ रिक्शा में जाने का मौका भी मिल गया। आज का दिन वाकई में मेरे लिए बहुत अच्छा है। जेम रोड जा रहे हैं आप? नहीं ये तो बहुत ही अच्छा, मैं दुकान जा रहा हूँ तो ये आपको रास्ते में उतार देता हूँ। जेम रोड दुकान जाते जाते रास्ते में ही पड़ेगा। कब से? अबे कहाँ जेम रोड, कहाँ तुम्हारी दुकान? जेम रोड से घूम के जाओगे तो 25 रुपए ज्यादा होंगे भाड़े के। अरे ये पोपट लाल की सोच 20-25 रुपए में अटकी हुई है, इसीलिए उसकी आज तक शादी नहीं हो रही है। अरे भाई ज्यादा भाड़े का सवाल नहीं है, बबीता जी बेचारे कहाँ, अभी मेन रोड पे जाएंगे रिक्शा ढूंढेंगे, एक तो रिक्शा मिलती नहीं है, अभी है तो उनको छोड़ता हुआ चला जाऊंगा, क्या फर्क पड़ता है? इट्स ओके जेठा जी, आप जाइए, मैं चली जाऊंगी, नो प्रॉब्लम। अरे साहब मेरा 22 रुपए दे दो, मैं निकलता हूँ। अरे नहीं नहीं, आ रहा भाई, आ रहा है, आइए बबीता जी, चले चले आओ। बाय बबीता जी। ओके बाय। जेठालाल भाई शाम को मुझसे वो पैसे लेना भूलना मत। हाँ हाँ ले लो ले लो। चलो गुंडे। चलो चलो भाई चलो। भाई जेठालाल की बड़े अरसे से एक इच्छा थी कि उन्हें बबीता जी के साथ ऑटो में बैठने का, एकांत में दो बातें करने का, सफर करने का मौका मिले, और देखिए उनकी ये तमन्ना मंजिल तक आप पहुंची है। बबीता जी जेठालाल के साथ ऑटो में बैठी हैं। अब देखिए, लेकिन ये जेठालाल है साहब, क्या देखिए और क्या क्या ना देखिए, क्योंकि जेठालाल की जो किस्मत है वो तो बड़ी कमाल की है। आप जानते हैं कि जितने टेढ़े मेढ़े मोड़ एक पहाड़ी रास्ते में नहीं होते, उससे कहीं ज्यादा मोड़ जेठालाल की जिंदगी में, कुंडली टेढ़ी है भाई। लेकिन आप कहेंगे अब क्या, अब तो बबीता जी के साथ वो ऑटो रिक्शा में बैठ गए, अब क्या 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 हो सकता है, सोचिए जरा, बहुत कुछ हो सकता है। और क्या हो सकता है ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। बबीता जी आप ठीक से बैठे हैं ना? हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर आप थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहे हो, आप बैठिए ठीक तरह से। मैं ठीक हूँ बबीता जी। ऐसे थैंक यू बबीता जी। थैंक यू किस लिए? अरे देखिए ना, इतने साल से हम लोग एक ही सोसाइटी में रहते हैं,
लेकिन पहली बार ऐसे एक ही रिक्शा में साथ में सफर करने का मौका मिला। आपने मुझे वो मौका दिया इसलिए थैंक यू। क्या आप बिजी था जी? हेलो दोस्तों, आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट सबसे पहले चाहिए ना, तो चलिए YouTube सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें।